नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से गाजर का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने गाजर ले लिए, बिल्कुल रेड वाली गाजर ली है हमने। तो हमने धो के छील के बिल्कुल तैयार कर रखी हैं। तो 1 किलो गाजर हमने लिए हैं। तो ये हम ऐसे कट कर लेंगे गोल गोल पीसेस में। ये बिल्कुल आसान तरीका है। लोग घिसने से बड़े परेशान रहते थे कि गाजर घिसनी बड़ी मुश्किल काम है। तो ये हमने सारी काट के बिल्कुल तैयार कर दी है। तो ये हम कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल लेंगे। तो घी को थोड़ा गर्म होने दें। उसके बाद हमने जो गाजर काटी है वो हम इसमें डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम ऐसे ही स्पैचुला की मदद से फ्राई करते रहेंगे। तो ये हल्की हल्की वो होने लग गई है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। 10 मिनट के लिए हमने ढक ली थी ये। तो ये हल्की हल्की पकने लग गई है। ये आप देखिए, हम आपको काट के दिखाएं तो एकदम पकने लगी हैं। हल्का सा इसको वो कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको। ये ऐसे करके दबा लेंगे हम इसको। ज़्यादा बारीक हमें अभी इसको तोड़ना नहीं है। तो अब हमने 1/2 किलो से थोड़ी ज़्यादा दूध लिया है, वो हमने डाल दिया है। दूध हम ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। तो हमने फिर ढक लिया था, फिर 5 मिनट के लिए ढक के फिर से हटा लिया है। तो इसको ऐसे ऐसे दबा लेंगे हम, थोड़ा मैश कर लेंगे। तो ये हमने चीनी ली है, 1 कप से थोड़ी कम हमने चीनी ली है, वो हम डाल देते हैं। और चीनी को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम खोया डाल रहे हैं इसमें। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये आप देखिए कितना अच्छा गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार हुआ है। अब हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट इसमें डाल देते हैं, उसे भी मिक्स कर लेंगे हम, अच्छी तरह भून लेंगे हलवे के साथ ही। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो धन्यवाद।